तो माँ का जी हो गया, दंड प्रणाम दिया हुआ। माँ ने जो है कुछ मन्नत मांग रखी थी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो फिलहाल अपने सब्जी वाले भैया जो है इधर जा रहे हैं अपना, और उसके बाद जो है हम लोग भी आज कहीं निकलने ही वाले हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं जी बाबा सिंहेश्वर के मंदिर, जो कि मधेपुरा के पास है। सिंहेश्वर स्थान हम लोग बहुत दिनों से सुनते थे, बचपन से सुनते आते थे कि सिंहेश्वर स्थान, तो हम लोग सिंहेश्वर स्थान चलेंगे और वहाँ पर शिव जी का जो मंदिर है तो वहाँ पर चल करके जो है शिव जी की पूजा करेंगे। और पूरी फैमिली एक साथ जा रही है, तो पिछले एक हफ्ते से जो है लगभग हर वीकेंड पर सारे परिवार जो है कहीं ना कहीं निकल ही रहे हैं। तो आज भी चलते हैं और उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छे से हो जाए और अच्छे से पहुंच जाए, अच्छे से पूजा हो जाए। मुझे तो उनके शरण में हाजिरी होने का बहुत बार मौका लगा, क्योंकि मैं पढ़ाई भी मधेपुरा में ट्रेनिंग स्कूल में थी। अच्छा। उसके बाद सेवा काल में भी मैं पदाधिकारी वही रही मधेपुरा में। सर बाबा सिंह सर की स्पेशल कृपा है हम पर, ताकि वहाँ तक मुझे पहुँचा दिए। अब आज जाते हैं दया की भीख मांगने, संसार के सभी सज्जन व्यक्ति के लिए, अपने लिए भी। देखिए बाबा कहाँ तक पहुँचाते। चलिए तो चलते हैं। लेट है, यही मेरा स्कूल है। 20 साल इसमें हम अपना सरकारी सेवा दिए, इसके बाद प्रमोशन हुआ तो चले गए मधेपुरा रानी पत्रा। चलो भोला बाबा के मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में अपना कुछ कुछ कहते जा रहे हैं और आप लोग से इसी बहाने बात भी हो रही है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर पल सब लोग खुश रहे और नैहर से ससुराल तक किसी को भगवान कष्ट नहीं दे, और समाज में जितने भी अपने से पढ़ाया हमसे जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैं ईश्वर से दया और क्षमा की भीख मांगती हूँ। प्रभु किसी भी सज्जन व्यक्ति का आँख में आंसू नहीं दिखाए, मैं हर पल यही कहती हूँ आपसे। तो कटिहार से जी हम लोग को चले हुए हो गया 3 से 3.5 घंटा के करीब, और हम लोग पहुंच गए हैं जहां हम लोगों को पहले पहुंच रहा था। तो सामने देख सकते हैं जी बाबा सिंहेश्वर नाथ का मंदिर है, तो वहां पर चलेंगे। जाम भी अच्छा खासा है, लेकिन भाग्यवश जो है हमें गाड़ी रखने का जगह मिल गया, तो अपना गाड़ी को जो हमने पार्क कर दिया, उसके बाद सभी लोग आगे निकल चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग। भला था तो हमने एक पंडित जी को कर लिया, जो रास्ता निकाल करके साइड की पूजा करवा दे रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग। तो माँ का जी हो गया, दंड प्रणाम दिया हुआ। माँ ने जो है कुछ मन्नत मांग रखी थी, तो उनका था कि वह जब पूरा हो जाएगा तो माँ जो है फिर मंदिर में आकर जो है दंड प्रणाम देगी। तो माँ का जो है वह पूरा हो चुका है और फिलहाल माँ जो है नहा रही है। और अच्छी बात है कि मंदिर में जो है नहाने की व्यवस्था है,
प्रॉपर पाइप सब है, मोटर सब है, तो माँ का यहाँ पे नहाना सब हो रहा है। Six and a half hours later. बाबा सिंहेश्वर का पूजा संपन्न करके हम लोग कटिहार की तरफ विदा हो रहे हैं। अब भगवान सिंहेश्वर से कहिए जो हम लोग पर ध्यान रखे और संसार के समस्त समाज जन का कल्याण उनके चरण में समर्पित करते हैं। तो सभी लोग जी पूजा पाठ कर लिए हैं, सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और क्रियांश के जो बाबा हैं फिलहाल गए हुए हैं क्रियांश के लिए व्यवस्था करने के लिए सेब का, कोल्ड ड्रिंक का, कुरकुरे, चिप्स, मतलब पोते को जो है इस 3 घंटे के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाकी हाँ, और हम लोग जो है ऐसे कोल्ड ड्रिंक सब ले चुके, वही सेब देख रहे हैं, सेब न पा रहे हैं वहाँ पर। तब उसके बाद जो है जी हम लोग यहाँ पर छोला भटूरा सभी खा लिए, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर भूखे पेट थे सुबह से हम लोग, तो जाहिर सी बात है इस समय कुछ भी खाए अच्छा ही लगेगा, लेकिन उसे था भी अच्छा खाना। और यहाँ से अब हम लोग चलने वाले हैं अपने दादी गांव, वहाँ पर जो हमारा जूता छूट गया था तो बीच रास्ते में ही पड़ता है वह, तो हम लोग वहाँ भी चल लेंगे और फिर वहाँ से अपने घर चलेंगे। बाबा सिंहेश्वर को हमारा लाख करोड़ हजार करोड़ लाख प्रणाम, और इसी तरह प्रभु अपना दया बना के रखिए, हम लोग आपके दरबार में हाजिरी देते रहे। मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, सबके लिए, उसी लाइन में पीछे सबको रखिए। तो सिंहेश्वर स्थान में जी हम लोग पूजा करके जी निकल गए वहाँ से, और लगभग जो है 1-1.5 घंटे यात्रा करने के बाद जो है आ गए अपने दादी गांव। तो इधर है हमारा बेटा क्रियांश, उधर मम्मी पापा सब जा चुके हैं, और यहाँ है हमारा जी दरवाज़ा। तो हरा भरा दरवाज़ा है जी, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। तो आपको कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और फिलहाल जो है क्रियांश अपने जितने भी दादाजी हैं, क्रियांश के हैं असल में 7 दादाजी हैं और चले, तो क्रियांश सभी दादाजी से जो है चल के मुलाकात करेगा। गाड़ी सब जो है पार्क में लग ही गया है, तो चलते हैं। तो पहुंच गए जी अपने आंगन, और यहाँ पर ये है हमारी बड़ी मम्मी, सबसे बड़ी मम्मी, और यहाँ है यहाँ की किचन। तो यहाँ पर जो अंदर आ रहे ये है हमारा ससुराल का किचन जो कि बहुत खूबसूरत है। तो ससुराल का किचन जो है अभी हम लोगों का जो है लगभग कितना बनना ही शुरू हुआ है, बनेगा अभी फिलहाल पूरा बनेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, कोई भी जो पर्व त्योहार हम लोगों के यहाँ होता है इसी के ऊपर जो है पूरी खीर जो भी चीज बनना होता है इसी पर बनता है, जो भी ठकुआ सब होता है छठ के समय स्पेशली काम देता है। और यहाँ पे गैस चूल्हा सब तो है ही, यहाँ मैं बना रही हूँ चाय सभी के लिए, चाय बना रही है सभी के लिए। वाह, मंगा खोलेगी कि नहीं है मंदिर से? नहीं नहीं खोलेगी, आप पहना है कैसे खोलेगा। और बाहर का नजारा दिखाते हैं, बड़ा माहौल है जी यहाँ से भी, अच्छा खासा नजारा है, यही तो गांव की खूबसूरती है। A few moments later. यहाँ पे बन रहा है चाय, बाकी यहाँ पे आ गई हैं मौसी जी, हमारी मौसी भी लगेंगी, मम्मी भी लगेंगी, सब कुछ लगेंगी, बाकी यहाँ का बोर्ड देखिए कितना सुंदर है। लेकिन अभी लाइट नहीं, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? Few inches later. Two hours later. कितना अच्छा लगा, सबसे मिलजुल लिए चले अपने घर, मेरा घर यही ना है। अरे कटिहार में तो मान लो हम नौकरी किए कमाए, तो मान लो एक रहने के लिए घर बनाए, लेकिन मेरे बाप दादा का घर यही ना है। Eventually. चलो हम लोग घर से पूजा करके, और इतिफाक मेरा घर उसी रास्ते में है, मेरा घर, मेरे ससुर का घर या मेरे हस्बैंड का घर या मेरा बेटा का घर, सब घर मेरा ही है। तो वहाँ गए, सबसे मुलाकात हुई और खुशी हुई,
और भगवान से हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो कि इसी तरह हम लोग आते जाते रहे परिवार में, सौहार्दता बना रहे, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और कभी कभी मुलाकात होते है तो स्वाभाविक है, जब बिछड़न होगा तो मिलन होगा, मिलन होगा तो बिछड़न होगा, ऐसा होता है। अगर ये रिश्ता कायम रहता है तो सब दिन बना रहेगा। अब भगवान मालिक, अगला तो हम कुछ नहीं जानते हैं कल क्या होगा, तो वो तो जो जानते हैं वही फैसला करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मेरा परिवार जो है नैहर से ससुराल तक सब लोग अच्छे से रहे, सब मिलजुल के रहे, और भगवान इसमें हम लोग को सहयोग दे, हिम्मत दे, ताकत दे, हौसला दे कि हम लोग सबको साथ दें।